हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो बहुत ही दिनों के बाद आज मैंने सोचा कि अब व्लॉग बनाना शुरू ही कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं टन टना, सो वी आर गोइंग टू डलहौजी ट्रैकिंग कैंप, और साथ में शायद अमृतसर भी है, अमृतसर बाघा बॉर्डर एंड गोल्डन टेम्पल का विजिट भी होगा। ओके, सो टूडे आई एम स्टार्टिंग द न्यू सीरीज, दैट विल बी डलहौजी सीरीज। ओके, डे वन डे टू आई विल अपलोड ऑल एवरीथिंग। ओके, सो बस मेरी पैकिंग हो चुकी है, मैंने कल ही रात को सब कुछ पैकिंग कर लिया था। आई विल शो यू गाइज, वेट। ये है मेरा एक छोटू बैग और एक ये है मेरा बड़ा बैग, इसमें मैंने सब कुछ रख लिया है। ओके, और ये मेरा छोटू बैग है, और बस इस बार मैं दो बैग ले जाने वाली हूँ। लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने मनाली वाला देखा होगा तो मैंने गलती की थी कि जो मैंने मैंने लास्ट टाइम मनाली में, आप लोगों को पता है कि मैं, हम लोग कितना ज़्यादा सामान लेकर गए थे। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था ब्लॉग में कि वो मैंने बड़ा वाला बैग लिया था। ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट फीजिबल कि हम लोगों को ट्रैकिंग करना होता है, हमको पहाड़ों पर जाना होता है, तो वो बैग इजीली हम लोग नहीं कैरी कर सकते। तो इस टाइम मैंने ये बाय किया है, अराउंड 1000 का है ये, लेकिन इसका मटेरियल बहुत ही फाइन है एंड ट्रैकिंग के लिए एब्सोल्युटली अमेजिंग है। सो या, सो आई एम डन विथ माई पैकिंग एंड नाउ आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट एंड देन मैं अपनी ट्रेन के लिए निकल पड़ूंगी। ओके, सो आई नीड टू गो टू अहमदाबाद कालूपुर स्टेशन एंड हमारी 11 o'clock की आई गेस ट्रेन है एंड 10 o'clock तक का हमारा मतलब रिपोर्टिंग टाइम है। ओके, सो गाइस बने रहिए इस एक्साइटिंग व्लॉग में। ये था थोड़ा सा शॉर्ट इन्फो अबाउट हमारे नए ट्रैवल सीरीज का। ओके, तो बस अब इस व्लॉग में बने रहिए एंड सारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखना आप लोग। अगर आप लोगों ने बाकी की प्लेलिस्ट ना देखी हो तो वो भी देख लेना, सापुतारा, मनाली एंड कुंभलगढ़, बहुत सारा कुछ है। और सारे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। सून वी आर हिटिंग 1K एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, डेफिनेटली। ओके, सो या, बाय बाय गाइस, आई एम रेडी नाउ, आई विल लीव टू कालूपुर एंड स्टार्ट माई जर्नी। सो बाय बाय। अपडेट इज कि हम लोग भटिंडा आ गए, हमारी ट्रेन जो थी वो कैंसिल हो गई है बिकॉज ऑफ सम किसान फार्मर इश्यूज़। आंदोलन नहीं है लेकिन कुछ है इशू, उसकी वजह से हम पठानकोट नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ से हमें फर्दर ट्रैवल करना है। ओके, बाकी और यहाँ से भटिंडा से जाएंगे पठानकोट बाय बस। गाइस, सो अभी हम लोग यहाँ से बस में जाने वाले हैं पठानकोट एंड पठानकोट से हमारा डलहौजी का कैंप शुरू होने वाला है। बस अब यहाँ बस का वेट कर रहे हैं। ससी यार, पैसे ज़्यादा कैरी करो क्योंकि कभी भी कुछ भी हो। दोनों ही, और अब चीज पराठा ज्यादा अच्छा था। कोल्ड कॉफी, ऑरेंज जूस मिक्स, और ये घर के थे अपने असली गुजराती। लंच के लिए रांधवा रेस्टोरेंट में। ओके, पठानकोट आने में कुछ 2 hours इतना बाकी है, काफ़ी ठंडी है आप लोग देख सकते हो। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं, हम लोगों ने ऑर्डर किया है ऑब्वियसली जो मेरी फेवरेट सब्ज़ी है वो पनीर बटर मसाला रोटी और नूडल्स। ओके, तो आप लोग बताते हैं कैसा होता है। हेलो एवरीवन,
वेलकम बैक टू माई ब्लॉग. सो टूडे डे टू एंड आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड आज हमारा फ्री डे है तो आज हम लोग कुछ भी कर सकते हैं जो हमें करना हो. ओके तो ब्रेकफास्ट में था पोहे चाय कॉफ़ी. सो अच्छा था काफ़ी. यहाँ पे बहुत सारे यहाँ के जो पहाड़ों के जो बंदर हैं वो बहुत सारे हैं छोटे बच्चे और एकदम यहाँ वहाँ घूम रहे हैं. सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. तो अभी हम लोगों का फॉल इन है तो अभी हम लोग उसके लिए जाएंगे और फिर आज क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगी. मैं आप लोगों को व्यू बता देती हूँ थोड़ा सा बाहर का. ओके तो बाय. लेकिन कहीं तो जा रहे हैं एक्साइटेड है और लेट्स सी क्या होता है. तो चलो आप लोग हमारे साथ चलो. हेलो गुड मॉर्निंग. सो अभी हम लोग जा रहे हैं कौन सी लेक चापर लेक चामेरा लेक चामेरा लेक पे. तो वेदर काफी अच्छा है एंड बेस्ट थिंग इज दैट कि धूप भी निकली हुई है आप लोग देख सकते हैं. सो अभी हम वहां जाके लेक पे बताते हैं. चलो बाय. टैक्सी बुक कर लिए और चामेरा लेक चमेरा. तो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है जो हमने लोकेशन बताया था अभी हम बस वहीं जा रहे हैं. वहाँ पे जाके वो 1 आवर का रास्ता है बस उसके बाद में हम आपको उसका व्यू बता दें. तब तक बने रहिए. बाय. एंड होपफुली उसके बाद हम लोग शायद चर्च पे जाने वाले हैं तो उसका व्यू दिखाएंगे. स्टार्ट आवर जर्नी फॉर टुडे. बाय. बताओ वो है कि अगर वो टूट जाए ना तो पंजाब और पूरे पाकिस्तान का नामो निशान मिट्टी हो जाता है. इतना पानी है. अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे बोटिंग पॉइंट पे. वहाँ पर बोटिंग पॉइंट यहाँ पर बोटिंग भी होती है एंड बाकी की नॉर्मल एक्टिविटीज है लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फॉग है उसकी वजह से थोड़ा सा बंद है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है. देख लीजिए यहाँ पर जूस मैगी बहुत सब सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं तो लंच भी मोस्ट प्रोबेबली हमारा यहीं होगा. ठीक है तो अभी हम खाते हैं. सबसे पहले तो नीचे जाएंगे. टेम्परेचर कुछ 2-3 अराउंड है. मस्त लग रहा है. इतना भी ज़्यादा ठंडी नहीं है तो ज़्यादा कैरी करने की नहीं. नॉर्मल हमने इतना एक है दैट इज नॉट. यस तो मिलते हैं नीचे. यहाँ से जो है नीचे से यहाँ से आप जिस तरीके से लोग दिख रहे हैं वहाँ से जाना है और यहाँ से ही बोटिंग होती है वहाँ आगे की साइड. तीन या चार डिग्री होगा. कितना होगा 4-5 डिग्री. दो डिग्री था सुबह तक तो दो. मुझे नहीं लग रहा 3 या 4 ही है ऐसा इतना गर्म. भुट्टा से क्यों. Okay guys, so this is Raw Garden. Raw, I don't know why it is called Raw Garden, but बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है. गुंजन को देखो और हर्ष और बाकी हमारे साथी बंधु फोटोज़ खिंचवा रहे हैं. बहुत ज़्यादा ही ठंडी है. कुछ हमें लगा था कि इतनी ठंडी नहीं होगी बट यहाँ पे ज़्यादा ही ठंडी है और जब हम लेक में जहाँ गए थे वहाँ इतनी ठंडी नहीं थी. ठीक है तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू बताती हूँ बैक कैमरा से. ओके गाइज. सो यहाँ पर हम लोग रॉक गार्डन में आए थे जहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुकी है क्योंकि ऊपर देखो आप वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है. स्नोफॉल हो रहा है इसलिए यहाँ पर हमें हल्की हल्की सी बारिश की बूंदे आ रही है. ठीक है तो काफी ठंडी है और बस अब निकलते हैं. बहुत ही ज्यादा ठंडी है. हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और फिर अपने बैक टू रूम जाने वाले हैं. देन वी विल और अभी हमने लंच भी नहीं किया तो लंच करेंगे. ठीक है बाय बाय. ओके गाइस हमारा चमेरा लेक और रॉक गार्डन होने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सुहास चौक.
सो हाज चौक इज़ बेसिकली फॉर मार्केट, जो स्ट्रीट मार्केट लगते हैं वो, ओके. सो सुहास चौक, गांधी चौक जो है वो यहाँ के मार्केट है. तो अभी हम लोग जाके देखते हैं कैसा कुछ है, बिकॉज कुछ शॉपिंग करनी है छोटी मोटी, देखते कैसा. ओके बाय. ओके गाइज, सो दिस इज सुभाष जी की मूर्ति, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सुभाष चौक. ओके, इट्स नॉट सुहास चौक, इट्स सुभाष चौक. यू कैन सी काफ़ी शॉप्स है और भी चर्च भी है. गाइज वी आर एट सुभाष चौक. ओके, और अब हम जा रहे हैं चर्च में. हाँ, उस चर्च का नाम कुछ सेंट फ्रांसिस चर्च कुछ है. हाँ, तो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है. तो अगर आप लोग डला जाते हैं तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, मार्केट घूम सकते हैं. हाँ. चर्च में भी जा सकते हैं, और हम लोगों ने जहाँ पे गए थे आप वहाँ भी जा सकते हैं. ओके, बट ये बहुत नियर बाय है, जहाँ पर काफी नियर बाय हम लोगों का जस्ट है, उसके अराउंड 1 किलोमीटर जितना है, तो डेफिनेटली कैन कम. अभी हम लोग चर्च में जाते हैं, फिर देखते हैं कैसा होता है. इंट्रोडक्शन पार्ट, यू नो मी दैट आई एम निशी, गुंजन, रिद्धि, समर्थ, हर्ष, पार्थ, शाश्वत और समर्थ. ओके, सो ये इनको तो आप थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बीच में ट्रैवल के दरमियान, बट कोई नहीं, जो हम इसी वीडियो में डालेंगे, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी. जी हाँ. तो अगर आप लोग थोड़े चॉकलेट वॉकलेट अपने साथ रखो ट्रैवल के ड्यूरिंग, और तो बाकी हम लोगों ने कितनी तीन जगह कवर की, जो कि थी लेक, रॉक गार्डन और ये चर्च. चर्च ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मतलब मैं तो पहली बार मतलब चर्च में आई हूँ, सो इट वाज गुड. विश भी मांगी है जो हमें बता दिए क्या. जी हाँ, उनको कनाडा जाना है. क्या विश मांगी था हमारे चैनल पे बता ही दीजिए. मेरी विश तो कितनी भी थी, मींस कितनी सारी थी, पर क्या मैंने ये जी, आप गुजराती में भी बोल सकते हैं. हाँ, तो मैं यूं मांगू. हाँ. के मारे कनाडा जाऊँ. ओह, भाई को कनाडा जाना है. इसके पहले ना भाई करोड़पति होने की विश मांग रहे थे, पर कनाडा जाना है. कनाडा ना, पण मैं की तो के लिमिटेड राखो विश, એટલે कनाडा में कमाई लईसु ना. हां हां, तो ये है. तो अब हम जा रहे हैं कॉलिन के लिए. सो आज का दिन खत्म होता है, कल हमारा प्रॉपर ट्रैक होगा. ट्रैक का नाम बोलो. कल है काला तो, काला तो अबाउट 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 अभी से. तो अभी देखते हैं कैसा होता है, और ठंडी तो काफी है. कितना है डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री. तो कल हम लोग जाने वाले हैं स्नो ट्रैकिंग पे. वहाँ पे हमने, हमारे ड्राइवर ने फोटो दिखाई थी ऑलरेडी, पूरा का पूरा व्हाइट हो चुका है. So I'm excited. So ending my vlog here. See you in the next part. Okay, bye bye. Gunjan iske liye. Say bye. Bye. Peace. Bye. Bye. Bye.